ये चाय की पत्ती लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेताओं में टूट देखने को मिल रही है, देखिए ये बात अलग है, कही जा रही है कि दरअसल टॉपिक नहीं मिलता है चर्चाओं का, ऐसा नहीं है, टॉपिक अलग अलग होते हैं और प्रतिदिन अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है। तो ऐसे में लेकिन आज जिस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है कि कांग्रेस के नेताओं का जो टूटना है, वो सबसे बड़ा फायदा क्या उत्तराखंड में वास्तव में आम आदमी पार्टी को होने वाला है क्या? क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से पंचायती चुनाव है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव है, हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो उम्मीद रखी थी उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है, जनता ने इतना साथ नहीं दिया है, आने वाले समय में क्या सबसे बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी इसका उठा पाएगी? देखिए, कांग्रेस के अंदर जो टूट है वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें आम आदमी पार्टी अब फायदा या नुकसान की स्थिति में अपने आप को नहीं देखती है। जो लोग आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं सहर्ष, हम उनका स्वागत अपनी पार्टी में, अपने दल में बिल्कुल हृदय खोलकर हम कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस को अपने अंदर देखना है कि वो अपने जो टूट है वो उसको कैसे बचाए, ये उनका अंदरूनी मामला है उनके यहाँ। मैं इससे कुछ बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी कि उनके यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद देखें। हम सिर्फ कांग्रेस के जो अच्छे लोग अगर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो हम पूरी तरह से उनका मतलब हृदय की गहराइयों से हम उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। और ये बात तो देखिए, कांग्रेस को खुद अपने अंदर एक बार आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि लगातार 40-40 साल तक जिन लोगों ने कांग्रेस की सेवा की वो आज कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी स्थिति जरूर है जो कांग्रेस के यहाँ ठीक नहीं चल रही है और कांग्रेस उस स्थिति से अपने आप को बाहर निकाले, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है और देश का एक मजबूत विपक्ष आज भी कांग्रेस है। और मैं इस बात को बहुत बार लगभग हर चैनल में इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ कि आम आदमी पार्टी को वो स्थान अभी उत्तराखंड में नहीं मिला है जिसकी हमने उम्मीद की थी, लेकिन 3.5% से ज्यादा वोट के साथ हम लोग मजबूती के साथ अपनी एक नींव उत्तराखंड में रख चुके हैं जिससे कि जिसमें कि हम आगे एक बुलंद इमारत का निर्माण जरूर करेंगे। लेकिन कांग्रेस का वाकई में जो हश्र है, अगर मैं एक सामान्य नागरिक की तरह से बाहर से अगर मैं कांग्रेस को देखूं तो वाकई में मुझे लगता है कि 130 साल पुरानी पार्टी के साथ आज ऐसा नहीं होना चाहिए और इतना डिमोडलाइज भी इन लोगों को नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को एक स्पार्क की जरूरत है, अगर वो स्पार्क कांग्रेस में निकल कर आता है तो कांग्रेस अपने आप को दोबारा रिवाइव कर सकती है। लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने खासतौर पर विपक्ष को पूरी तरह से घेर रखा है।